money students, I from my company with Dennis and Ketanya, scientific innovation. Scientific notation. There was also a time for English to put on. Can I say scientific notation to put on the place of everything? यदि आपके पास एक ही नाम के लिए लिखी हो मैन टू और एक ही नाम के लिए लिखी हो एन तो आप क्या कर दोगे ए बराबर एम प्लस एन एक एग्जाम्पल देता हूँ टू की पावर दो की घात तीन दो की घात पांच हमारे पास क्या आ जाएगा दो की घात तीन प्लस पांच दो की घात आठ हमारा आंसर है फिर देखिए अगर मैं बात करूं उसके अंदर एग्जाम्पल की वन वन टू वन टू टेन की पावर टू ठीक है इन टू वन वन टू वन वन टू वन टू टेन की पावर थ्री क्या आ जाएगा आपके पास या 1.4 कर लेना 1.2 into 1.4 यहाँ क्या आ जाएगा 10 की पावर 10 की पावर प्लस 3 तो ये आपको कितना आ जाएगा 5 और इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 12 को 12 बार 4 बार 6 बार 6 बार 48 का आंसर आ गया 4 12 को 12 बार 4 16 एक और दो की बार 12 बार 6 8 into 10 की पावर 5 यदि अगर मैं क्या करता हूँ इसमें यदि मैं इस फॉर्मूले से लिखता हूँ संख्या को 0.168 तो क्या होता है एक पावर इंक्रीज हो जाती है क्या करते हैं यदि हम लेफ्ट साइड में क्या करते हैं पावर को किस आते हैं तो एक पावर यदि एक अंक स्क्वायर किया होगा एक पावर 10 की पावर इंक्रीज हो जाएगी फिर हम देखते हैं भाग फिर हम देखेंगे भाग आपके पास देखिए एक और है आप भाग दे रहे की पावर एन का तो आप क्या करोगे एक की पावर एम माइनस क्या लिख दोगे एम माइनस एन एग्जाम्पल देखते हैं 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस थ्री ठीक है यहां लिख देंगे 3 इंटू 10 की पावर 4 अब देखिए आप आपके पास ए क्या दे रखा है कंपोनेंट सही है 10 इंटू लेकिन आपको पहले ये नंबर लिखिए आपको डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे 2.7 डिवाइड बाय 3 याद है इनटू 10 की पावर माइनस 3 है क्या है माइनस 3 और n क्या है आपके पास 4 माइनस 4 अब देखिए आप इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई ना कितना आ जाएगा 9 3 9 7 तीन और दो से आपको तीन से बड़ा करोगे कितना आ जाएगा 27 ये तो कितना आ गया 9 गुणा 10 की घात माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 ये क्या आ गया आपके पास इस प्रकार आप क्या कर सकते हो भाग कर सकते हो यदि अगर आप बात करते हो यहाँ अगर आप 10 की पावर माइनस 8 कर लो तो आप क्या करोगे एक संख्या जहाँ पर इंक्रीज कर दोगे तो यहाँ क्या जाएगा माइनस 8 का फिर एक कॉमन की पॉइंट आगे चला जाएगा तो क्या होता है माइनस 8 जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं (1.5 × 10⁴) डिवाइडेड बाय (1.1 × 10⁴)
3 minus 2, vai ter que ter nada, 4. E lá que faz é 10 to power minus 2, vai ter 10 to power 4. Olha lá, gente, multiply que é o que é? 1.1. ठीक है, इसको आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को आप सब क्या करोगे, पहले डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों संख्याओं को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर क्या होता है इनटू 1.52 into 1.1 और ये यहाँ क्या आ जाएगा 10 और minus 3 minus 4. अब आप इसको multiply कीजिए 51 16 एक और दो इन दो वाले point को दो वाले में क्या लगा दिया, यहाँ क्या आपको क्या करना है multiply करते हैं, यहाँ में क्या 3 समझा 1 किसका होता है यूनिशन के साथ साथ जो है. अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 10 के साथ माइनस 7 आएगा. यदि मैं क्या करूँ एक पॉइंट को किसका होगा इधर तो प्लस में पड़ता है, अगर मैं इसको लिखूँ 16.5 इनमें राइट साइड पे पॉइंट किसका आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7. इस प्रकार आप क्या कर सकते हो भाग को ज्ञात कर सकते हो. तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी आपको यहाँ पे
5 10 और मैं इसको और मैं बात करूं इसकी, यदि मैं इस पॉइंट को इधर खिसका दूं तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस 4 कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लस 1 की चार जाएगी तो कितना आ जाएगा माइनस 4। तो मैंने क्या किया 0.48 माइनस 10 और माइनस 2 से वैसे लिख सकता हूं मैं इस संख्याओं को। तो देखो मैंने क्या किया, अब मेरे को 2.5 में से क्या निकालना है, 0.48 को क्या करना है माइनस करना है, तब यहां क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2। मतलब अगर ये आप तो दोनों के 10 की पावर में से हो जाए तो आप क्या करोगे उसको ऐड कर देना। अब देखिए 2.5 में से 0.48 क्या कितना बचा आपके पास